तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कल क्या एटम स्ट्रक्चर रदरफोर्ड के, हाँ रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था। उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया था, उनकी एक लिमिटेशन आ गई थी कि उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं तो वो उनकी एनर्जी खत्म होगी और एक दिन वो न्यूक्लियस पे आ जाएंगे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो जो उनका एटम था बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा ही बोर आया जिसको हम नील्स बोर कहते हैं, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर ने किया, उसकी जो कमी थी उसके मॉडल में जो हमें कमी लगी, जो कमी थी उसको किसने पूरा किया है, बोर ने, बोर ने पूरा कर दिया। कब किया है, 1912। और इसने दो चीजें बताई इस चीज के बारे में, वो कमी कैसे पूरी, देखो Only certain special orbit electron revolve inside the atom. Electron केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उनका कहना था ये एक atom है, इनके अंदर ये जो orbit है, इसको कक्षा कहा उन्होंने, क्या कहा, कक्षा, जिसका नाम इनको, इसका नाम इन्होंने K दिया, इसका नाम इन्होंने L दिया, इसका नाम इन्होंने M दिया, इसका नाम इन्होंने N दिया, K11, इस तरह करके जितने भी ऑर्बिट बनते जाएंगे उनका नेम इन्होंने करते चले गए। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बताया इन्होंने, चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का निवारण नहीं करते, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। मतलब जब हमारे इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये अपनी जो ऊर्जा का होता है उसको विकीर्ण नहीं करते, नहीं फैलाते, मतलब नहीं खर्च करते, नहीं फैला पाते, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है वो ड्यूरिंग घूमने के समय अवशोषित करते रहते हैं और निकालते रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं एक तरह से मान सकते हो। तो इसको हमने किसने प्रूफ कर दिया है, बोर्स का परमाणु मॉडल है, जो उसकी कमियां थी उसको इन्होंने पूरा कर दिया। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या का मान परमाणु संख्या कहलाती है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब हमारे जो एटम है इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन उतने ही हमारे क्या होंगे, परमाणु संख्या होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने जेड इक्वल टू एनपी, एनपी क्या हमारी प्रोटॉनों की संख्या है, क्या हमारी एनपी प्रोटॉनों की संख्या, तो ये हमारे इक्वल होता है। एक नोट मैंने लिख दिया है, ये नोट मैंने बना दिया है थोड़ा सा, कि जिस हमारा जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी चीज, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले हम न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन था उसको डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने 1932 में, जेम्स चैडविक ने, जिसने हमारा जो न्यूट्रॉन, अभी तक हमने पढ़ा कि कोई हमारा एक एटम था उसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पर घूमते रहते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहते हैं, यहाँ पर एक चार्ज होता है जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन होता है। इसी तरह जो हमारे चैटर्जी उन्होंने बताया इस न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होता है जिसका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन दिया, और इसको एन से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, एन से। मतलब पहले हमने दो चीज़ के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब इन्होंने एक और चीज़ निकाला कि इसके अंदर एक और चीज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एन, न्यूट्रॉन कहते हैं। और इस एन, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए अनावेशित कहते हैं इसको, कि इस पे कोई भी आवेश नहीं है, नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। और एक चीज बताई कि इसका जो द्रव्यमान होता है किसका, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान मास होता है वो बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के मास के। इसका जो मास है, इस न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों चीज हमने देख लिया अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। आगे होता है हमारा द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जो का जोड़ होता है। मतलब जो द्रव्यमान संख्या हम निकालेंगे उसको, उसके कहने का मतलब है कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन है और जितने हमारे पास प्रोटॉन है, नहीं जितने हमारे पास न्यूट्रॉन है और जितने हमारे पास प्रोटॉन है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं किसी भी एटम के अंदर, अगर जितने हमारे पास न्यूट्रॉन है जितने हमारे पास प्रोटॉन है,
इनको अगर मैं जोड़ दूं इनका सम कर दूं तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस नहीं बेटा मास आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर किसी चीज का मुझे मास निकालना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो हमारा क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,